तो गोपिका और कन्हैया जी से कहने लगी, अरे कन्हैया तेरी नगरी में हम किस तरह से आ सकते हैं, हम बहुत परेशान हैं तेरे दर्शन करने के लिए, हमें कोई सा ऐसा उपाय बता जो हम तेरी नगरी में आ सकते हैं। तो कन्हैया और से गोपिकाएं कहने लगी, कैसे आबू श्याम हो कैसे आबू श्याम तेरी ब्रज नगरी, कैसे आबू तेरी नगरी में के कहने लगे, ए गुजरिया जान नदिया को गुजर फूलों पुल भी कर गुजरिया कहने लगी, जा पुल भी कर का ना चोर बसत है, तेरी नगरी में मोहन चोर बसत है, चोर बसत है। जाती ठाड़े द्वार पे राधे राधे बोल बोलिए औध महाराज की आरे असर पी आरे प्यारे नाम को पीरा लगाए दो पीरा लगाए दो रे मेरे भैया पीरा क्यों लियो चावे का मेरे भैया 50 रुपए का दान राजपाल, 50 रुपए राजपाल सनौब श्री मुकट सिंह बब्बा, इसी गांव के रहने वाले। और ये 20 रुपए वीर सिंह, 20 रुपए वीर सिंह, ये दुकान वाले। ये देवता महाराज के जड़ों में दान अर्पण करते हैं, देवता महाराज उन्हें सुख शांति प्रदान करें। और ये 50 रुपए हमारे श्री सुरेश मास्टर साहब दुकान वाले, ये 50 रुपए देवता महाराज के जनों में दान अर्पण करते हैं, देवता महाराज उन्हें सुख शांति प्रदान करें और उनके कारोबार को बढ़ावा देते रहे। बोलो साचे दरबार की जय। अरे मोए ग्रामा नगरिया रे मोहबोला रे जा में सूर रे दया बेटा सुर्री उर्फ मोहब्बत भगत जी, ये देवता महाराज के जड़ों में दान अर्पण करते हैं, देवता महाराज उन्हें सुख शांति प्रदान करें और उनके कारोबार को बढ़ावा देते रहे। अरे के सुदियावे भैया हो दूती आवे भैया होली की अरे के सुतिया वे भैया सुतिया वे भैया मस्ताने राम सेवक और 25 रुपए ग्राम सेवक ये दोनों भाई भाई 25-25 रुपए का दान आपने करते हैं और 25 रुपए धर्म ये भी देवता महाराज के जड़ों में दान आपने करते हैं। अरे जोड़िया बनिया रहे भैया महाराज के आगमन पर खुश होकर के 20 रुपए देते हैं। देवता महाराज उन्हें सुख शांति प्रदान करें। कर गए बुढ़ा है गया बुढ़ा है चाचा सत्य सोमवीर सिंह, ये सोमवीर सिंह टेम्पू वाले ये 20 रुपए का दान देवता महाराज के जड़ों में अर्पण करते हुए देवता महाराज ने सुख शांति प्रदान करे। बोलिए साचे दरबार की जय। पूछो भैया कभी पूछो नहीं होता। शंकर बाबा की नाचे दरबारी जानी रे मेरी ढल गई जवानी। हेलो प्यारे खच्चन को तारे किला बन जइयो के लक्ष्मी दो लहरे पवना दुआ अरे पढ़ता पढ़ता साथ ये 20 रुपए का दान वेदपाल सिंह निवासी सेमरा नगरिया की तरफ से ये देवता महाराज के जड़ों में दान अर्पण करते हैं। देवता महाराज ने सुख शांति प्रदान करे। और ये 11 रुपए का दान हमारे चाचा सन्नाम सिंह और 11 रुपए का दान चरण सिंह और 20 रुपए का दान नन्हे सनौत श्री महेंद्र सिंह लंबे, ये तीनों मिलकर के देवता महाराज के चरणों में दान अर्पण करते हैं। देवता महाराज सुख शांति प्रदान करें। अरे मेरे वाजे भैया बोलो भैया रुपया दो कमल जैसो फूलो है प्यारो चल रे जगत में नाम। अरे पढ़ता पढ़ते इतने रे पढ़ गयो तू पढ़ाई मेरे प्रेम इस नोट से किए ओरी मैया गोरो बदन कारी भरिया मोरे पाई। तो देखिए जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता के सहित पंचवटी पर विराजमान थे और उसी समय मामा मारीच माया रूपी मृग बन करके और पंचवटी के आसपास घूमने लगता है। तो सीता जी कहने लगी और ये मृग देखा न सुना और जैसा ये सुगड़े सलोना है और जैसा ये सुगड़े सलोना है और सर से लेकर और पैर तलक सारा सोना भगवान कहने लगे हे सीते, हे सीते कहीं जगत में सोने के मृग होए होनी होकर के रहे टाल सके ना को। मतलब सीता नहीं मानती, हट रख जाती है और कहने लगी कि नहीं हे नाथ, जाकर के इस हिरणा को मार करके लाइए। भगवान राम बेबस होकर के और अपने धनुष बाण को लेकर के और हिरण के पीछे पड़ जाते हैं और भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे भैया लक्ष्मण, आप सीता की देखभाल में रहना। अरे लखन चौक सरैयो, ए लखन चौक सरैयो, अब मैं मृग मार बेदा लखन जो कसरइयो, अब मैं मृग मार बेदा। Oh अरे मृग जंगल में मृग जंगल में पहुँचो जा सतखइयो अब मैं मृग मारने जाऊं। और वो माया रूपी मृग क्या करता है? क्या बोला? अरे कहूँ छिपी जावे कहूँ डुबकावे कोई घर जाइयो अब मैं मेरा हो जाते हैं उसके पीछे भागते भागते। गुस्सा में आकर के भगवान राम ने जब बाण छोड़ा, अरे कस के बाण राम ने मारो मरते मरते बचने चारो मरते मरते बचने चाचा सतेंद्र सिंह ये हमारे रामलीला क्लब में राम का रोल करते हैं। ये 10 रुपए हमारे चाचा सतेंद्र सिंह ये हमारे रामलीला क्लब में ये भगवान राम का रोल करते हैं। ये हमारे 10 रुपए स्पेशल दूध पीने के वास्ते देते हैं और हम भी भगवान से यही दुआ मांगते हैं, प्रभु उनके कारोबार को बढ़ावा देते रहे। और ये 25 रुपए मिंटू निवासी धोबई और 25 रुपए मनोज निवासी धोबई की तरफ से ये दोनों मिलकर के 50 रुपए का दान देवता महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं। देवता महाराज उन्हें सुख शांति प्रदान करें। बोलिए साचे दरबार की। उस समय का है जब हनुमान जी दुर्गागिर पर्वत सर और बूटी लेकर के प्रस्थान अयोध्यापुरी के ऊपर से कर रहे थे। वहां भरत जी पैरा लगाते हैं और उन्होंने सोचा कि अगर इसने ये पर्वत अयोध्यापुरी के ऊपर डाल दिया तो ना मालूम क्या होगा। ये सोच समझकर भरत जी ने बाण मारा। हनुमान जी राम का नाम लेते हुए हाय राम कहते हुए जब पृथ्वी पर गिर पड़े। राम जब हनुमान जी के मुखार बिंदु से भगवान राम का नाम सुना तो भरत जी व्याकुल होकर के और हनुमान जी के पास पहुंचे और हनुमान जी ने उनके लिए अपनी परिचय दी और सारा हाल बन का बताया। तो भरत जी कहने लगे, भैया लक्ष्मण, भैया हनुमान, मेरी एक बात भगवान राम से जा करके कहना। मैं मति मंद भ्रात तुम ही के, राम की सेवा तुम प्रीत नहीं के। श्री राम से कह देना, हो श्री राम से कह देना, एक बात अकेले भगवान राम तो वनवास चले गए, फिर भी मेरे तो एक ही मन में बात आती है। वनवास गए वनु में, फिर भी तो यही वनु में। रटता हूँ हरी रट भगवान राम बन के लिए पधारे हैं, उसी दिन से मेरा रोना ही रोना है भैया। और भैया इसमें मेरी तो कोई दोष नहीं है भैया। हनुमान इस राज की ममता ने भाई से बिछो दिया, इस राज की ममता ने माने सोते तेरे भाई। हनुमान मैं बहुत ही हिंसाधारी हूं, और उस लक्ष्मण को देखो, हे लक्ष्मण बड़ो भारी वरना प्रभु चरणों के साथ साथ आज के प्रोग्राम के मालिक साहब हमारे भाई गंगाराम सिंह 20 रुपए का दान देवता महाराज के चरणों में अर्पण करते हैं। देवता महाराज उन्हें सुख शांति प्रदान करें और उनके कारोबार को बढ़ावा देते रहें। बोलिए साथे दरबार की जय। चढ़ियो कटारे मलिया के भूल दिया तुम बढ़ता बढ़ता